हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। बस आपका काम ये है कि आपको ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को समझना है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है, क्या आप जानते हैं? आइए इसका जवाब जानते हैं। सोने की गाड़ी दुबई और सऊदी अरब देश में चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज अदा करते हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो आप जरूर जानते होंगे, और जो नहीं जानते आइए देखते हैं। मुसलमान एक दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है? देखिए इसका सही जवाब, काली मौत प्लेग बीमारी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप ये बता सकते हैं नोकिया किस देश की कंपनी है? सुनिए दोस्तों, नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5, बैगनी गुलाब कौन से देश में पाया जाता है? तो इसका जवाब है टर्की। बैगनी गुलाब टर्की देश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भवती महिलाओं को कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, गर्भवती महिलाओं को कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो सुनिए, होलिका दहन के समय जौ को जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से जानवर के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, हिरण के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको ये बताना है कि सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, सांप लगभग 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं। अब आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जहां पर 7G नेटवर्क चलता है? मैं डैम श्योर हूँ आप एकदम से चौंक गए होंगे कि ऐसा कौन सा देश है। तो सुनिए, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इंटरनेट स्पीड 7G और 8G स्पीड पर उपलब्ध है। जी हाँ, और इस देश का नाम है नॉर्वे। आपने बिल्कुल सही सुना, नॉर्वे देश एक ऐसा देश है जहाँ 7G नेटवर्क चलता है। 7G नेटवर्क की स्पीड 11 गीगाबिट प्रति सेकंड होती है, जो यूजर्स के लिए काफी हाई स्पीड होगी। यह सर्विस 4G और 5G के मुकाबले काफी महंगी होगी, जिसके लिए यूजर्स को बड़ी रकम चुकानी होगी। ये सब बात की बात है। अगर अभी बात करें तो नॉर्वे ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है जहां इंटरनेट की स्पीड 7G और 8G के बराबर है। मैं उम्मीद करती हूं आपने ये वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।